तीसरा एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन जो आज कैबिनेट में लिया गया, दिल्ली सरकार ने एक दिल्ली शेड्यूल कास्ट एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज हैंडीकैप्ड के लिए एक फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है। ये कॉरपोरेशन एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी हैंडीकैप्ड लोगों को लोन्स देती है कि वो अपना कुछ बिजनेस सेटअप कर सके। लेकिन जो साजिश दिल्ली सरकार के खिलाफ रची गई, जो तनख्वाहें रोकी गईं, उसमें डीएसएफ डीसी भी शामिल था। यहाँ के 125 एम्प्लॉयज को जनवरी फरवरी के महीने से अपनी तनख्वाह नहीं दी जा रही थी। हर बार इनको तनख्वाह देने की फाइल आगे बढ़ाई जाती थी तो उसमें कोई ना कोई अड़ंगा डाल दिया जाता था। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि आज दिल्ली सरकार के कैबिनेट ने 17 करोड़ का ग्रांट इन एड दिल्ली शेड्यूल कास्ट फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को देने का निर्णय लिया है। तो जिन जिन लोगों की भी इस कॉरपोरेशन में तनख्वाह रुकी हुई थी, जनवरी फरवरी के महीने से आज तक की तनख्वाह उन्हें दी जाएगी और आने वाले समय के लिए भी उनको तनख्वाह हर महीने बिना रुके हुए मिलेगी। ना सिर्फ इतना, इस कॉरपोरेशन को कैसे रिवाइव किया जा सके, कैसे एससी एसटी ओबीसी हैंडीकैप्ड लोगों को ज़्यादा लोन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इंसेंटिव्स दिए जा सके, इसके लिए भी आज कैबिनेट ने फैसला लिया।